बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम तो आपको पता है कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था, कोरिलेशन का जब टॉपिक शुरू किया था। मेरा नाम प्रोफेसर असमा सरवर है, मैं सुपीरियर में एज अ लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स काम कर रही हूँ। 12 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज हम एक्सरसाइज के कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ताकि हमें और अच्छे तरीके से एक्सरसाइज को हैंडल करना आ जाए। अगर हम देखें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट, स्टेटमेंट में कहा जा रहा है द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज आर इज इक्वल है 0.60 इफ एस एक्स इक्वल है 1.50 एस वाई इक्वल है 2.0 एक्स बार इक्वल है 10 वाई बार इक्वल है 20। Find the equation of the two regression lines of y on x and x on y. Students, आप लोग देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 13 के सी पार्ट के अंदर आपको रिग्रेशन लाइंस फाइंड करने के लिए कह दिया गया है। अच्छा, एक्सरसाइज तो कोरिलेशन की चल रही है, ये रिग्रेशन लाइंस कहाँ से आ गई? ये रिग्रेशन लाइंस स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ बेसिकली जो डिस्कस किए थे फॉर्मूलाज, आपने उनमें देखा था कि कोरिलेशन कोफिशियंट और रिग्रेशन कोफिशियंट के दरमियान रिलेशंस मौजूद है। जब रिलेशंस मौजूद हैं तो कोरिलेशन कोफिशियंट के जरिए रिग्रेशन कोफिशियंट फाइंड किए जा सकते हैं। जब रिग्रेशन कोफिशियंट फाइंड किए जा सकते हैं तो रिग्रेशन लाइंस भी फाइंड की जा सकती है, जो कि आपने 14.1 में बहुत अच्छे तरीके से सीखी। आज हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को यूज करके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बनाएंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को यूज करके रिग्रेशन लाइंस बनाएंगे। डेटा आपके सामने गिवन है, आर का आंसर भी गिवन है, एस एक्स गिवन है, एस वाई गिवन है। एस एक्स क्या है? एस एक्स आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वेरियंस ऑफ एक्स बन जाएगा। एस वाई आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है, स्क्वायर लेंगे तो वेरियंस ऑफ वाई बन जाएगा। एक्स बार भी गिवन है, वाई बार भी गिवन है, और शुरू में रिलेशन कोफिशिएंट आर बी गिवन है। और फाइंड क्या करना है? दोनों रिग्रेशन लाइंस फाइंड करनी है, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। आज आपको आसान तरीके से रिग्रेशन लाइंस को इजीली कैलकुलेट करना सिखाएंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। आपके पास दो लाइनें हैं, दो रिग्रेशन लाइनें हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मैं आपको बता रही हूं कि एक लाइन है आपके पास वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और दूसरी रिग्रेशन लाइन है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई। जो फर्स्ट लाइन है इसमें बी वाई ऑन एक्स है और सेकंड लाइन में जो बी है वो बी एक्स ऑन वाई। दोनों लाइनों को साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं ताकि इजीली इनके सॉल्यूशंस जो मिल सके और कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट ना हो कि लास्ट में जाके पता चले कि जी इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगाया, इसमें ये लगाया। दोनों को सिंपली आप एक साथ लेके चलें, आपको समझ आती जाएगी कि वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई के फॉर्मूलास में कितना फर्क है। अगर आप पहली लाइन देखें वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो इसके अंदर बी वाई ऑन एक्स चाहिए। बी वाई ऑन एक्स के लिए आर जो आपको एक रिलेशन फॉर्मूला दिया था जिसके अंदर आर को यूज करके आप बी वाई ऑन एक्स बना सकते हैं, वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट के अंदर जो आर गिवन था, एस वाई गिवन था, एस एक्स गिवन था, तो इजिली हम बी वाई ऑन एक्स फाइंड कर सकते हैं आर को, एस वाई को और एस एक्स को यूज करके। एस बी वाई ऑन एक्स, बी वाई ऑन एक्स में स्टूडेंट्स एस वाई ऊपर होगा और बी एक्स ऑन वाई के फॉर्मूले में अगर आप देखें तो एस एक्स ऊपर है, y on x y ऊपर है, x on y x ऊपर है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि b y on x में s y ऊपर है और b x on y में s x ऊपर है। इस तरह करके आप फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। उल्टा ना कीजिएगा फॉर्मूला, सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। b y on x इक्वल है r इंटू एस वाई ओवर एस एक्स। एस वाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एस एक्स की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज हो रही है, स्क्वायर करने का कोई फायदा नहीं है। आप एस वाई को डायरेक्टली पुट करें, एस एक्स को डायरेक्टली पुट करें, 2 को 1.50 और से डिवाइड करें और आर की वैल्यू भी 0.60 गिवन थी उसको यूटिलाइज करें और बी वाई ऑन एक्स का आंसर 0.8 आ जाएगा। इसी तरह एक्स ऑन वाई लाइन को सामने देखें तो वहां पर आप जहां जहां आपका वाई था वहां वहां आपका एक्स यूज हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा काम और बी एक्स ऑन वाई भी कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि 0.45 के इक्वल है, रिवर्स हो जाएगा सारा काम। अब y on x लाइन में a y on x की वैल्यू चाहिए और a x on y लाइन में a x on y की, दोनों वैल्यू आपको सामने सामने नजर आ रही हैं। सिर्फ
ऑपोजिट काम हो रहा है, जहां जहां वाई ऑन एक्स में वाई है वहां वहां एक्स ऑन वाई में एक्स है। आप अगर पहली लाइन की तरफ देखें तो ए वाई ऑन एक्स के अंदर जो फॉर्मूला यूज होगा वो आपका वाई बार माइनस बी एक्स बार। ये फॉर्मूला आप 14.1 एक्सरसाइज में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर अगर अभी आपको नहीं याद आ रहा तो अभी इसी को फोकस कर लें कि ए वाई ऑन एक्स इक्वल है वाई बार माइनस बी एक्स बार के। यहाँ वाई बार की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर डेटा के अंदर गिवन है, आप उसको पुट करें, एक्स बार की वैल्यू भी गिवन है उसको भी पुट करें, और बी की वैल्यू वही है जो आपने इस लाइन के अंदर अभी अभी कैलकुलेट की है, यानी कि 0.8। आप इस 0.8 वैल्यू को पुट करें, आपके पास ए वाई ऑन एक्स का आंसर आ जाएगा 12। आपके पास बी ए वाई ऑन एक्स का आंसर भी आ चुका है, बी वाई ऑन एक्स का आंसर भी आ चुका है। दोनों आंसर बी वाई ऑन एक्स और ए वाई ऑन एक्स, ऊपर जो सबसे पहले लाइन लिखी थी, रिग्रेशन लाइन लिखी थी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, आप उसके अंदर इसको पुट कर सकते हैं। a की जगह पर आप 12 और b की जगह पर 0.8 पुट कर सकते हैं। जब आप 12 और 0.8 लाइन के अंदर पुट कर चुके होंगे, x को एज इट इज लिख दें और प्लस के साइन को भी एज इट इज लिख दें, आपके पास जो लाइन है वो बन जाएगी y कैप इक्वल है 12 प्लस 0.8x। अब जहां आपकी लाइन जो फर्स्ट में लिखी थी आपने y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उस लाइन में आपने जब वैल्यूज पुट कर दी तो y के ऊपर कैप लगाइएगा, आपके लिए एस्टिमेटेड लाइन का सिंबल है। जब आप सॉल्यूशन करते हैं तो ये लाइन अब इस काबिल है कि इससे वैल्यूज को एस्टिमेट किया जा सकता है, वैल्यूज को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, वैल्यूज को फाइंड किया जा सकता है। अब इस ये लाइन रिग्रेशन करने के काबिल है। इस लाइन को अगर देखें तो इस लाइन के अंदर रिग्रेशन इस तरह से हो सकती है कि अब आप अगर आपको एग्जामिनर एक्स की कोई वैल्यू दे और आप इसको पुट करें एक्स की वैल्यू को, तो आपके पास वाई कैप का आंसर आएगा। इसका मतलब है ये लाइन उस वक्त रिग्रेशन लाइन रिग्रेशन के प्रोसीजर को कंप्लीट करने के काबिल हो चुकी है, लिहाजा ये लाइन इसके वाई के ऊपर कैप लगाना कंपल्सरी है। इसी तरह अगर आप इसके ऑपोजिट में देखें तो बी एक्स ऑन वाई कैलकुलेट किया आपने, ए एक्स ऑन वाई कैलकुलेट किया, दोनों के आंसर्स को लाइन के अंदर जो ऊपर लाइन थी x is equal to a plus by उसके अंदर आपने पुट किया, आपके पास रिजल्ट्स आ गए। आपने x के ऊपर कैप लगाया, y को आपने एसटीस लिखा, आपकी लाइन बन गई x कैप इक्वल है 1 plus 0.45y। ये लाइन भी अब एस्टीमेशन रिग्रेशन करने के काबिल हो चुकी है, इसलिए ये लाइन भी आपकी एस्टीमेटेड लाइन काउंट होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा हैं, 14.2 एक्सरसाइज इस तरह के न्यूमेरिकल से भरी पड़ी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट। इसके अंदर भी दोनों रिग्रेशन लाइंस फाइंड करने के लिए कहा गया है। ये क्वेश्चन सिलेक्ट करने का मकसद ये था कि आपको फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन सही तरीके से आ जाए, आपको ये पता चल जाए कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है। फॉर्मूलाज बेसिकली फॉर्मूलाज तो वही है जो हमें शुरू में लेक्चर्स में बता दिए गए। अब इन्हीं फॉर्मूलास को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे यूज किया जा सकता है ताकि हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। स्टेटमेंट के अंदर आपके पास स्मॉल n गिवन है, समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर गिवन है, समेशन y गिवन है, समेशन y माइनस y बार का स्क्वायर गिवन है, समेशन x गिवन है, समेशन x और x माइनस x बार और y माइनस y बार की प्रोडक्ट का सम गिवन है। अब इस डेटा को यूटिलाइज करके हम देखते हैं कि कौन से फॉर्मूले यहाँ पर बेस्ट रहेंगे रिग्रेशन लाइंस फाइंड करने के लिए। उसी तरह हमने रिग्रेशन लाइंस लिखी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, x इक्वल टू ए प्लस बी वाई। उसी तरह हम पैटर्न पर चलते रहे जिस तरह हमने पहला न्यूमेरिकल किया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने बेस्ट वे चूज करना है कि हम अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन के डेटा को हैंडल करते हुए सोल्यूशन की तरफ कैसे जा सकते हैं। अब लाइनें तो फिट करनी है। अब पहली जो लाइन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, अब यहाँ पर बी वाई ऑन एक्स तो बनाना ही बनाना है, और बी वाई ऑन एक्स का अगर हम बेसिक फॉर्मूला देखें तो एस एक्स वाई ओवर एस स्क्वायर एक्स है। अब एस एक्स वाई को आप सेपरेटली कैलकुलेट करके भी यहां पुट कर सकते हैं, एस स्क्वायर एक्स को सेपरेटली कैलकुलेट करके भी यहां पुट कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यहां पर ये बेस्ट नजर आ रहा था कि मैं एस एक्स वाई के फॉर्मूले को यहीं पे पुट कर दूं और एस स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले को यहीं पे पुट कर दूं। एस एक्स वाई का जो फर्स्ट फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू डेटा मैंने पुट कर दिया है, एस स्क्वायर एक्स का भी अकॉर्डिंग टू डेटा मैंने फर्स्ट फॉर्मूला पुट कर दिया है, जो कि एक्स एस एक्स वाई और एस स्क्वायर एक्स के तीन तीन फॉर्मूले शुरू में आपको रिवाइज करवाए गए हैं। अब एस एक्स वाई के फॉर्मूले को पुट करने के बाद और एस स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले को पुट करने के बाद इनकी वैल्यूज जो क्वेश्चन में गिवन है, समेशन
एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का जो सम है वो यहाँ पुट होगा 13, 13 डिवाइड होगा स्मॉल एन 5 से, इसी ट्रांसमिशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर पुट होगा 10 और 10 डिवाइड होगा स्मॉल एन यानी 5 से, 5 और 5 इसको मजीद इसका सोल्यूशन जो है वो आगे देखते हैं कि 5 13 वी वाई ऑन एक्स का आंसर आ जाएगा 13 ओवर 10, सिंप्लीफाई करेंगे 1.3 आ जाएगा। ये वाई ऑन एक्स का आंसर फाइंड करने के लिए वाई माइनस बी एक्स बार करने की बजाय उसकी ओपन फॉर्म फॉर्मूला यूज करेंगे जो फर्स्ट 14.1 में भी आपने यूज किया था, समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन। इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, समेशन वाई और समेशन एक्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है 25 और 15 और बी का आंसर आपने अभी निकाला 1.3। जब आपने इन वैल्यूज को पुट किया, सिंप्लीफाई किया, ए वाई और एक्स का आंसर आ गया 1.1। आपका आपकी लाइन जो आपकी है वो वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उसके अंदर आपने ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की कर दी, आपके पास एस्टिमेटेड लाइन वाई कैप इक्वल है 1.1 प्लस 13 एक्स हासिल हो गई। इसी तरह जब आप दूसरी लाइन फाइंड करते हैं बी एक्स ऑन वाई लाइन जिसके अंदर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है, सारा ऑपोजिट काम करेंगे, जहां जहां एक्स था वहां वहां वाई, जहां वाई था वहां एक्स, सारा काम उसी तरह चलता जाएगा। बी एक्स ऑन वाई कैलकुलेट होगा, बी एक्स ऑन वाई का आंसर आया 0.5, ए एक्स ऑन वाई कैलकुलेट होगा, ऑपोजिट फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं आमने सामने लिखा है, फर्क समझ में आ रहा है। अब ए एक्स ऑन वाई का आंसर आ जाएगा 0.5, आप इन दोनों आंसर को लाइन में जब पुट करेंगे तो एक्स कैप इक्वल है 0.5 + 0.5y, आपके पास लाइन फिट हो गई। अब इस तरह के बेशुमार न्यूमेरिकल्स आपकी एक्सरसाइज में मौजूद हैं, इसीलिए आपको एक पूरी लिस्ट क्वेश्चंस की नजर आ रही है जिसके अंदर सारे सेम प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, कंफ्यूजन्स नहीं आएंगी। जो दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाए हैं इनसे रेलेवेंट, इनको यूज करते हुए आप लेक्चर को दोबारा रिवाइज करते हुए देखते हुए आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का सी, क्वेश्चन नंबर 11 का ए, क्वेश्चन नंबर 10 का बी, क्वेश्चन नंबर 10 का सी, क्वेश्चन नंबर 10 का ए एंड क्वेश्चन नंबर 9 का सी, आप सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आप बेहतर समझे तो इनमें से चंद न्यूमेरिकल्स करके आप लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो सकती है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम के लिए।